Don't play with it, don't be the size. Ay, still not understanding. Assalamu alaikum viewers, welcome back to another video. और आज की वीडियो काफ़ी फ़न होने वाली है क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपनी ईद की शॉपिंग पे और उसके साथ साथ हम अपने दो इम्पॉर्टेंट काम भी करेंगे, जिसमें से फर्स्ट हम जाएंगे डाक पे, वहाँ से अपने एक डॉक्यूमेंट रिसीव करना है और देन हम जाएंगे एम्बेसी अपनी पीआर के लिए फ़ीस पे करने, बिकॉज़ हम पीआर अप्लाई कर चुके थे। सो चलिए चलते हैं पहले डाक पे और अपना फर्स्ट काम पूरा करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। हम पहुंच चुके हैं डाक और यहाँ पे हम अपना फर्स्ट काम करवाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया हेल्थ इंश्योरेंस लेके, और उसके बाद हम जाएंगे एबीएच। तो चलिए अपना पहला काम कर लेते हैं। तो जी हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और काफ़ी बड़ा है और यहाँ से हम जाएंगे डाक और अपना डॉक्यूमेंट लेंगे। और हम अपना काम कर चुके हैं डाक से, वी गॉट आवर डॉक्यूमेंट और अब हम जा रहे हैं एबीएच और नेक्स्ट स्टॉप पे इंशाल्लाह एबीएच पे मिलते हैं आपसे। और अब हम पहुंच चुके हैं एबीएच के करीब, तो यहां से क्रॉस करेंगे और जाएंगे एबीएच और अपना नेक्स्ट काम कर लेंगे। सो आज आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स नज़र आ रहे होंगे आपको कलरफुल, वो इसलिए क्योंकि अब स्प्रिंग आ चुका है तो हर जगह जो है वो बहुत प्यारे कलरफुल फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं क्योंकि अप्रैल स्टार्ट हो गया है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। सो ये जो बिल्डिंग है ये मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, ये लाइव थिएटर है, लेकिन आज हम इसके अंदर से नहीं जाएंगे, आज हम जाएंगे इसके बैक साइड से क्योंकि वहाँ से ही हमें एबीएच की तरफ जाना है। और बस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जल्दी से ये काम ख़त्म करें हम अपनी शॉपिंग की तरफ जाएँ। और अब हम पहुंच चुके हैं एबीएच, ये जो बिल्डिंग आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं एबीएच की बिल्डिंग है, तो बस जल्दी से जाएंगे अंदर और अपना काम करके फिर आपको लेके चलते हैं शॉपिंग की तरफ। और अब हम अंदर आ चुके हैं, सो यहाँ से अब हम अपना टिकट नंबर लेंगे और फिर वेट करेंगे और जल्दी से अपना काम करवा के मिलते हैं आपसे मॉल में। और फिर वहाँ से फ्री होके, क्योंकि लीडर करीब था तो मैंने सोचा कि हम यहाँ से अपनी शॉपिंग कर लेते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें चाहिए थी तो वो ली जल्दी जल्दी से हमने और ग्रॉसरी हो चुकी है और अब हम वापस जा रहे हैं। सो सबसे पहले हम जाएंगे अपने ड्रेसेस लेने के लिए और उसके बाद जो है वो मैं आपको चीज़ें दिखाती रहूँगी। तो इस वक्त तकरीबन बज रहे हैं सुबह के 10:30-11, लेकिन जब हम घर से निकले थे तो काफ़ी गर्मी थी, काफ़ी ज़्यादा पसीने आ रहे थे, लेकिन अब क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है तो मौसम थोड़ा सा बेहतर होता जा रहा है और अब थोड़ा सा हवा चल रही है। तो जर्मनी का मौसम इसी तरह से है कि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है, आपको सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और फिर अचानक से बारिश होने लग जाती है और फिर ऑन अ सडन जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो जाता है। सो जर्मनी का मौसम बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है।
अब हम जा रहे हैं अपनी ट्राम की तरफ, और ये बिल्डिंग मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, तो जिस जिसने मेरा फर्स्ट व्लॉग नहीं देखा जाके मेरा फ़र्स्ट व्लॉग देखें आप लोग, बहुत मज़े का है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस बिल्डिंग का नाम क्या है। अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे, यानी कि जो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है हमारा शॉपिंग का, और एज़ यूजुअल आई थिंक तमाम वेडिंग कपल्स ये बात से अग्री करेंगे कि जिनके जो हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट चलते हैं, तो एज़ यूजुअल मेरे हस्बैंड भी बहुत फास्ट चलते हैं, आप देख सकते हैं मुझसे बहुत आगे निकल चुके हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं अल्बर्ट प्लाट्स, और यहाँ से हम जाएंगे मेहंदी लेने, क्योंकि ईद ऑफ कोर्स मेहंदी के बगैर बहुत अधूरी लगती है, तो हम अपने वतन में हों या बैरून मुल्क, लेकिन मेहंदी के बगैर तो ईद इनकम्प्लीट है। आज मैं आपको बहुत अच्छी शॉप दिखाने वाली हूँ यूरोप की, लाइक अगर आप जर्मनी में हैं और आपको कोई इस तरह की चीज़ें चाहिए जो पाकिस्तान में आप मिस कर रहे होते हैं, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट मिठाइयाँ, हर किस्म के स्नैक्स जो हम पाकिस्तान में खाते हैं, और उसके अलावा मेहंदी और बहुत सारी चीज़ें जो जो हम मिस करते हैं यहाँ पे आपको सब मिलेगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरा जितना हो सकेगा टाइम के हिसाब से आपको मैं शॉप का टूर दूंगी। और ये बेसिकली एक देसी शॉप है, एक बंगाली शॉप है, इसमें जाने के बाद तो वैसे ही बहुत अच्छा फील होता है, बिकॉज़ बहुत अच्छा लगता है, आप उर्दू में उनसे बात कर रहे होते हो और आपको अपनी मनपसंद चीज़ें मिल रही होती हैं। हम ट्रैम लेके पहुंच चुके हैं अपनी जगह पे जहां से हमें मेहंदी लेनी है, तो ये रोड हमें क्रॉस करना है और सामने हमारी शॉप है, लेकिन क्योंकि अभी रेड सिग्नल है और हम वेट करेंगे ट्राम के निकलने का, उसके बाद हम जाएंगे शॉप में। और ये मुझे ट्राम्स बहुत क्यूट लगती हैं, यहाँ पे जर्मनी में इस तरह की ट्राम्स आपको बहुत मिलेंगी, जो प्लेन सिंपल येलो एंड ब्लैक नहीं होती, लेकिन बहुत प्यारी उन पे पेंटिंग्स बनी हुई होती हैं और बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं और बहुत कलरफुल होती हैं। ट्राम जा चुकी है और अब हम रोड क्रॉस करेंगे और आपको ले चलती हूँ मैं पाकिस्तान, यानी कि वो सब चीज़ें जो हम मिस करते हैं यूरोप में पाकिस्तान की, हम यहाँ से लेंगे। आज इंशाल्लाह, क्योंकि कल ईद है, हम अपनी मिठाई भी लेंगे और उसके अलावा मेहंदी लेंगे और स्नैक्स लेंगे, क्योंकि मोस्टली हम अपने जो बहुत ज़्यादा चटपटे स्नैक्स खाने का दिल करते हैं तो हम यहीं आते हैं, और ये है देसी शॉप। हम आ चुके हैं अंदर और अब मैं आपको दिखाऊंगी बहुत मज़े मज़े के स्नैक्स, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं नमक पारे, और ये यहाँ पे बकलावा मिल जाएगा आपको, उसके अलावा आपको सारे जो भी पाकिस्तानी मसाले, और ये मिठाइयाँ जिसमें आपको बर्फ़ी, मोतीचूर के लड्डू, और इनको देख के रोज़े में मुँह में पानी आ रहा था। हमने डिसाइड किया हम गुलाब जामुन ले रहे हैं, और हमने ये गुलाब जामुन ले लिया। उसके बाद मुझे चाहिए था टिक्का मसाला, और टिक्का मसाला जो है वो दो तीन शॉप्स पे देखा मैंने, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक था, मुझे कहीं नहीं मिल रहा था, आई डोंट नो वाई, शायद काफ़ी ज़्यादा आज ज़रूरत थी, और मतलब सब ने लिया क्योंकि ऑब्वियसली कल ईद है। यहाँ मुझे टिक्का मसाला मिल गया था और मैंने टिक्का मसाला लिया, उसके अलावा मुझे अचार गोश्त की बहुत क्रेविंग हो रही थी तो हमने एक अचार गोश्त मसाला भी ले लिया, और उसके बाद जो है वो हम अपने कुछ स्नैक्स लेंगे, जिसमें से मैं आपको दिखाऊंगी हमारा जो फेवरेट स्नैक है, हम हमेशा यहाँ से लेते हैं, वो एक मिक्स निम्को है जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी और मज़ेदार होती है। उसके अलावा यहाँ आपको हर वो चीज़ लाइक जैसे आप पापड़ अगर आपको खाना है तो आपको पापड़ भी मिल जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे हम अतर ले रहे हैं क्योंकि मेरा बहुत दिल था कि सुबह आते जो है वो नमाज़ के लिए जाएं तो अतर लगाएं, तो यहाँ पे इन्होंने ऊद अस्वद लिया था। और यहाँ आपको जो शैम्पूज़ मिल जाएंगे पाकिस्तान में हम यूज़ करते हैं, उसके अलावा आपको हेयर ऑयल मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या नहीं मिलता, यहाँ पे फाइज़ा ब्यूटी क्रीम पहुँच चुकी है, यहाँ पे गोल्डन पर्ल क्रीम पहुँच चुकी है। अब हम वहाँ से शॉपिंग करके आ चुके हैं एक अफ़गानी शॉप में, और ये मैं आपको दिखा चुकी थी पहले। ये एक अफ़गानी शॉप है, यहाँ पे आपको हर अफ़गानी चीज़ मिल जाएगी, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी
ये सारे बर्तन और ब्लैंकेट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, जाए नमाज मिल जाएंगी। सो यहाँ से हमने अपनी कुछ शॉपिंग की और अब हम आ गए हैं मॉल। सो एंट्रेंस पे ये बहुत क्यूट सी एक शॉप है बियर्स एंड फ्रेंड्स की, जहाँ आपको हर तरह की जेलीज गमीज मिल जाएंगी। और ये बहुत प्यारा सा अट्रैक्टिव सा बेयर लगा हुआ है जो रोटेट करता है। सो अब हम डिसाइड करते हैं कि हमें सबसे पहले कहाँ जाना है। सो हम अपना फर्स्ट ड्रेस लेंगे, जो थोड़ा सा मेरे माइंड में आइडिया है कि मुझे किस तरह का लेना है। सो होप फॉर द बेस्ट कि हमें अच्छा मिल जाए। और ये तो पता ही है लड़कियों की जान, ज्वेलरी मेकअप ये चीज़ें तो हमें वैसे ही बहुत अट्रैक्ट करती हैं। सो अब हम जाएंगे सबसे पहले अपना ड्रेस लेने के लिए और देखते हैं कि हमें कौन सी शॉप बुलाती है सबसे पहले। और वैसे तो यहाँ ईद की कोई रौनक आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ऑब्वियसली यूरोप है, तो यहाँ तो बस हम मुस्लिम ईद मनाएंगे। लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जितना भी रश है ये ईद का है। और ये एक बहुत प्यारी सी शॉप जहाँ हर कुछ मतलब हर चीज़ आपको पिंक मिलेगी। यहाँ पे पिंक बहुत था, तो पिंक तो लड़कियों को वैसे ही बहुत अट्रैक्ट करता है। तो मैं यहाँ गई, कुछ देखा लेकिन मुझे कुछ इतना समझ नहीं आया। और फिर हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे नीचे सबसे पहले न्यूयॉर्कर पे और वहाँ पे देखते हैं अगर हमें कुछ मिल जाता है अपनी पसंद का। सो अब हम जा रहे हैं नीचे न्यूयॉर्कर पे और यहाँ देखते हैं क्या मिलता है हमें। और जैसे यहाँ पे अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, समर है, तो विंटर पे जो है वो बहुत अच्छी हमें बूट यानी सेल लगी हुई थी। लेकिन क्योंकि समर है तो यहाँ सारा स्टॉक हो चुका था समर का, आप दे सकते हैं टी शर्ट्स और स्कर्ट्स आ चुके हैं यानी समर आ चुका है। सो आपको विंटर के क्लोथ भी मिल जाएंगे, लेकिन हम क्योंकि काफ़ी गर्मी है तो हम अब जाएंगे समर की तरफ। और मैं देख रही हूँ कि मुझे कोई बहुत अच्छा सा समर आउटफिट मिल जाए। तो यहाँ पे मुझे कुछ जंप सूट्स दिखाई दिए, लेकिन जंप सूट ईद पे लेने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। वैसे ये बहुत क्यूट था, कलर भी बहुत प्यारे थे, लेकिन मैं कुछ और चाह रही थी। तो उसके अलावा यहाँ आपको बहुत अच्छी अच्छी लाइक यहाँ पे आपको कैजुअल से लेके फॉर्मल तक सब मिल जाता है। और यहाँ आपको बहुत अच्छी शर्ट्स भी मिल जाएंगी जो आप जीन्स के साथ कैरी कर सकते हैं या ट्राउज़र्स के साथ कैरी कर सकते हैं या इवन स्कर्ट्स के साथ कैरी कर सकते हैं। सो बहुत प्यारे समर स्कर्ट्स आए हुए थे और ये कोट था जिस पर मेरी नज़र गई क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। लेकिन ऑल्दो इट्स समर तो अभी तो बिल्कुल भी ये नहीं लेना। उसके बाद मुझे एक फ्रॉक पसंद आया था, ये बहुत प्यारा था, लेकिन अगेन मैंने उसको जब देखा तो वो एक जंप सूट था, तो इसको मैंने छोड़ दिया। और आगे जो है वो बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस लगे हुए थे, लेकिन वो ऑब्वियसली नहीं लेने थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो वेस्टर्न में जा रहे थे। सो हम एक ऐसा आउटफिट ढूंढ रहे हैं अपने लिए जो इजी टू कैरी हो और एक कंप्लीट आउटफिट हो। सो फिर मुझे काफ़ी कुछ देखने के बाद एक आउटफिट नज़र आया जो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले ये शर्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत प्यारी सी शर्ट्स थी जो आप किसी भी जीन्स या स्कर्ट के साथ कैरी कर सकते हैं। और क्योंकि समर है, स्प्रिंग है, तो बहुत ज़्यादा कलरफुल आउटफिट्स आए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा फ्लावरी और इस तरह के थे जो बहुत क्यूट भी लगते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। और कूल कलर्स थे बहुत ज़्यादा समर के हिसाब से। और जैसे ये पिंक आप देख रहे हैं, तो ये मैंने हाथ में लिया ही था कि मेरी नज़र पड़ती है जो मेरे राइट साइड पे पिंक है। और जब मैं वो देखती हूँ तो फिर मुझे समझ आता है कि ठीक है, दिस इज़ द आउटफिट विच आई वांट। और ये बहुत खूबसूरत सा एक स्कर्ट और साथ में इसके ब्लाउज था। सो आई डिसाइडेड कि हम इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। और फिर मुझे यही पसंद आया। सो एक हमने यहाँ से ये ड्रेस ले लिया है और अब हम मज़ीद देखेंगे हमें क्या समझ आ रहा है। सो
काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस ट्राई करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि मैं एक वो पिंक वाला ले लूँ। उसके बाद मैं चाह रही थी कोई क्यूट सा टॉप मिल जाए समर के हवाले से, जो ईद पे भी बहुत प्यारा लगे, और वो मैं पेयर करना चाह रही थी स्कर्ट के साथ। अभी तक मुझे वो टॉप तो नहीं मिला, लेकिन मुझे एक बहुत खूबसूरत स्कर्ट मिल गया था, और उसके लिए मुझे चाहिए थी एक प्यारी सी शर्ट। वहाँ पे मैं शर्ट्स देख रही थी कि कुछ समझ आ जाए, लेकिन जो मुझे समझ आई और जो मुझे थोड़ी प्यारी लगी उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था। यहाँ मुझे एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा एक बटरफ्लाई वाला क्लिप पसंद आया था, वो लिया और अपना बिल पे किया, और एक ड्रेस हमारा डन हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ और देखते हैं कि हमें कहाँ से बहुत प्यारा सा नेक्स्ट ड्रेस मिल जाता है, और बाकी फिर शूज़ मेकअप और कुछ चीज़ें और लेनी है, और फिर आतिफ की शॉपिंग करनी है। तो अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्टोर पे, और ये है H&M। मुझे क्योंकि कुछ एथनिक पहनना था ईद पे, तो यहाँ पे मुझे एक दो शर्ट्स नज़र आई और कलर भी प्यारा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सी थ्रू थी इसलिए मैंने वो छोड़ दी। और फिर मैंने देखा कि कुछ कॉर्सेट्स मुझे नज़र आए, कुछ मैक्सी नज़र आई, लेकिन जो एक मैक्सी मुझे पसंद आई उसमें भी साइज़ अवेलेबल नहीं था। वो मैं आपको अभी दिखाऊँगी आगे। स्काई ब्लू उसका कलर था, लेकिन काफ़ी प्यारी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें भी मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था, और वो ये है। फिर मैंने देखा कि कॉर्ड सेट्स भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है आजकल, तो मैं चाह रही थी कुछ ट्रेंडी सा कॉर्ड सेट मिल जाए मुझे, और फिर मुझे वो एक मिल गया, और उसका कलर भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है आजकल। तो फिर हमने यहाँ से एक कॉर्ड सेट लिया जो कि बहुत खूबसूरत है, और आपको मेरे ये सारे ड्रेसेस पहने हुए नज़र आएंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जो है ईद का व्लॉग। अब यहाँ से कपड़े हमारे डन हो चुके हैं, तो अब हम नेक्स्ट स्टोर पे जाएंगे जो कि काफ़ी एक्साइटिंग है, और आतिफ यानी मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा फेवरेट स्टोर है। तो जी हम आ चुके हैं रिचुअल्स, और ये एक आपको ऑल इन वन स्टोर मिलेगा जहाँ पे आपको बहुत मज़े की फ्रेग्रेंस और यहाँ आपको काफ़ी अच्छी मज़ेदार फ्रेग्रेंसेस मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको अपना शावर जेल, बॉडी स्क्रब, और उसकी बहुत वाइड वैरायटी, बहुत वाइड रेंज मिलेगी, जिसमें आपको ऑर्गेनिक भी मिल जाएंगे, आयुर्वेदिक भी मिल जाएंगे, और उसके अलावा जो चेरी ब्लॉसम्स और सकूरा जो हम बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में हैं, वो चीज़ें में मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको अपने होम के लिए अपनी जो रूम स्प्रे हैं वो मिलेंगे, बहुत प्यारे, बहुत मज़े मज़े की उसकी स्मेल्स थी। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया इनका चेरी ब्लॉसम स्क्रब, एंड नो डाउट वो बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हाथ हो गए थे और इसकी स्मेल बहुत प्यारी थी। एंड देन आतिफ ने ट्राई किया इनका ऊद, और वो दोनों हमें बहुत पसंद आए। उसके बाद हमने यहाँ से अपने लिए एक बहुत इनका ट्रेंडिंग ऑर्गेनिक सोप था, वो लिया, और दो तीन चीज़ें जो जो हमें पसंद आई हमने ली। और उसके बाद हम आ गए हैं अपने ट्राम स्टेशन, क्योंकि यहाँ से हमें जाना है अपने नेक्स्ट स्टोर पे, और वो है प्राइमार्क। तो मिलते हैं आपसे प्राइमार्क पे और दिखाते हैं कि वहाँ से हम क्या क्या लेंगे। अब हम आ चुके हैं प्राइमार्क, और यहाँ से हमें करनी है आतिफ की शॉपिंग, अपने शूज़ लेने हैं। देखते हैं हमें यहाँ से
क्या क्या मजेदार सी चीजें मिलती हैं। तो जी अब हम एंटर हो चुके हैं और यहाँ से हम जाएंगे पहले मेल सेक्शन में, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ बहुत अच्छी होम डेकोर की चीज़ें नज़र आईं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। उसके अलावा वुमेंस की यहाँ पे बहुत प्यारी वैरायटी थी शूज़ की, जिसमें आपको हर तरह के फ्लैट्स, हील्स और डिफरेंट काइंड ऑफ शूज़ मिल जाएंगे। तो मुझे ब्लैक शूज़ पसंद आए थे, वो मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो के आगे दिखाऊंगी। उसके अलावा यहाँ पे हमें फिर एक अपने रूम के लिए फ्रेग्रेंस पसंद आई थी, हमने वो ली। एंड यहाँ पे प्राइमार्क पे आपको बहुत प्यारे होम डेकोर की चीज़ें मिल जाएंगी, जो सेंटेड कैंडल्स से लेके डेकोरेटिव पीसेस एंड ऑल्सो बहुत प्यारे बोल्स मिल जाएंगे, लाइक जो जापानीज और कोरियन बोल्स होते हैं वो मिल जाएंगे, और भी उसके अलावा बहुत कुछ। तो यहाँ पे ये बहुत क्यूट क्यूट से कॉफ़ी मग्स थे जो मुझे बहुत पसंद आए। उसके अलावा मुझे यहाँ बहुत क्यूट क्यूट से डेकोरेटिव पीसेस और बर्तन बहुत प्यारे मिल जाएंगे आपको प्रीमार्क पे, और कलर जो है वो बहुत कूल टोन में आपको मिलेंगे। सो यहाँ पे मुझे एक बहुत क्यूट सा बोल नज़र आता है और वो मैं भी आपको दिखाऊंगी आगे। सो मैंने अपने लिए वो बोल लिया। इसके अलावा ये छोटे छोटे से क्यूट जो है वो वॉश थे, बड़े प्यारे, और एवरीथिंग यू वांट इन योर होम आपको मिल जाएगी, बेडशीट से लेके फुट मैट तक हर चीज़ मिल जाएगी आपको प्रीमार्क पे। सो यहाँ मैं आपको वो सब दिखा रही थी, और बहुत खूबसूरत जो है वो फ्रेजाइल से फ्लावर्स थे जो कि ऑब्वियसली आर्टिफिशियल थे, लेकिन दे वर लुकिंग लाइक रियल और बहुत ही खूबसूरत कलर थे। तो उसके बाद जो है वो मैं और चीज़ें देखती हुई, और ज्वेलरी का सेक्शन आ गया था, बहुत प्यारी क्यूट क्यूट ज्वेलरी थी, लेकिन क्योंकि मैं बहुत सारी ज्वेलरी लेके आई थी पाकिस्तान से, तो फ़िलहाल मुझे ज्वेलरी नहीं चाहिए थी। सो अब हम जा रहे हैं मेल सेक्शन में, क्योंकि वहाँ से हमें लेने हैं आतिफ के कपड़े, और मुझे थोड़े से कूल टोन में कपड़े चाहिए थे बिकॉज़ समर है। सो वहाँ से हमने उनके कपड़े लिए, अपने जूते लिए, और कुछ चीज़ें जो जो मुझे पसंद आई वो लीं। और यहाँ पे बहुत क्यूट और बहुत ही छोटे छोटे से मुझे प्यारे प्यारे जैकेट्स नज़र आए, कपड़े जो बहुत ही छोटे यानी न्यू बॉर्न से 2 मंथ्स और 6 मंथ्स के थे, तो वो हम देख रहे थे और वो बहुत क्यूट लग रहे थे। सो यहाँ से फिर हमने सारी शॉपिंग कम्प्लीट की, और फिर हम अपना कैश काउंटर ढूंढते ढूंढते आ गए गलती से किड्स कॉर्नर पे, और वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे हमने खूबसूरत जो है वो टॉयज देखे। सो दिस इज़ द बोल जो मैंने लिया, ये बहुत क्यूट था और बहुत डिटेल्ड था, तो ये मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड नूडल्स लवर हैं। तो हमने ये बोल ले लिया एक, और हमने अपने रूम के लिए ऊद लिया जो कि बहुत मज़ेदार, बहुत प्यारी खुशबू थी। सो अब हम यहाँ से अपनी शॉपिंग डन कर चुके थे, अब हम जा रहे हैं अपने मेकअप की शॉपिंग के लिए। सो इसके बाद मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी थी क्योंकि पावर बैंक नहीं था उस वक्त हमारे पास। सो फिर मैंने अपना मेकअप लिया, और उसके बाद जो है वो हम पहुंचेंगे ट्राम स्टेशन, और इस वक्त तकरीबन 4:45 हो रहे हैं और मैं सुबह 11 बजे घर से निकली थी, तो हम ऑलमोस्ट पूरा दिन शॉपिंग की है हमने, और अब तकरीबन हमारी शॉपिंग डन हो चुकी थी। तो बस अब हम मेकअप लेंगे और जाएंगे ट्राम स्टेशन, और उसके बाद हमें घर पहुँचना है क्योंकि इफ्तार में सिर्फ 1 से 1.5 घंटा रह गया था। तो अब यहाँ मैं अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर चुकी थी और हम बहुत थक चुके थे, मेकअप भी ले लिया है, बस अब इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्राम का, और अब हम जाएंगे घर वापस, और
घर पहुंच के बहुत काम है क्योंकि आज चांद रात है, सो इफ्तार भी करना है और उसके बाद भी बहुत कुछ मेहंदी लगानी है और कपड़े रेडी करने थे। तो अब हम घर पहुंच चुके हैं और घर पहुंचने के बाद हमने अपनी इफ्तार की प्रेप की और उसके बाद जो है वो हमने नमाज अदा की, थोड़ा सा रेस्ट किया, हम सो गए थे और फिर उठने के बाद जो है वो हमने अपने काम स्टार्ट किए और हम तकरीबन उठे थे रात के 10:30 बजे क्योंकि हम नमाज़ पढ़ के सो चुके थे। तो उठने के बाद फिर मैंने आतिफ से कहा कि अब आप मेरी मेहंदी लगा दें, तो आतिफ यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं सर्कल बनाने की और पहले वो पेपर पे प्रैक्टिस करते रहे सर्कल बनाने की और जब वहाँ पे थोड़े से कामयाब हो गए थे तो फिर उन्होंने मेरे पैर पे उसको बना के कंफर्म किया। सो हम कोई भी काम कैसे बहुत जल्दी कर सकते हैं, हम उसमें बहुत सारा अपना टाइम किल करेंगे, मस्तियाँ करेंगे और उसके बाद लगाएंगे। तो हम अपनी घर पे वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस हो रही थी और अभी तकरीबन सारा काम रहता है लेकिन तकरीबन 11:30 हुए हैं क्योंकि हमने उठने के बाद नमाज अदा की और अभी जो है वो मेहंदी स्टार्ट नहीं हुई है। सो बस फिर यहाँ पे बहुत सारी मस्तियाँ करने के बाद फाइनली डिसाइड हुआ कि अब मेहंदी स्टार्ट हो रही है। सो फिर पैर पे लगा के सर्कल चेक किया गया और जब वो कंफर्म हो गया तो फिर मेहंदी स्टार्ट हुई है और ये आतिफ की खुशी है क्योंकि वो सर्कल ठीक बना पाए थे और मुझे यकीन दिला रहे थे कि बिल्कुल गोल बने। सो क्योंकि उनका फर्स्ट ट्राई था तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया और अब मेहंदी लगाना स्टार्ट कर चुके थे हम। सो ऑलमोस्ट हमें तकरीबन 2 घंटे लगे मेहंदी कंप्लीट करने में और उसके बाद जो है वो हमने अपने बाकी काम किए। सो घर वालों के बगैर ये पहली ईद थी तो हर चीज़ करने के लिए बहुत टाइम चाहिए था और पता लग रहा था क्योंकि हर ईद पे घर वाले साथ होते थे तो सब मिलके काम करते थे तो इतना पता नहीं लगता था। सो यहाँ पे आतिफ स्टार्ट कर चुके मेहंदी लगाना और मेहंदी कंप्लीट करेंगे, फिर दिखाती हूँ आपको कि मेहंदी कैसी लगेगी। तो यहाँ साथ साथ मैं घर पे भी बात कर रही थी और मैं और जायज़ा क्योंकि अब अलग हो चुके थे तो वो मुझे अपनी मेहंदी लगा के दिखा रही थी और हम में कंपटीशन चल रहा था कि किसकी मेहंदी ज़्यादा प्यारी लगने वाली है। तो यहाँ आतिफ जो है वो पुरजोश तरीके से मेहंदी लगा रहे हैं लेकिन क्योंकि वो पहले खेलेंगे अच्छी तरह और मुझे गुस्सा दिलाएंगे एज़ यूजुअल और उसके बाद मेहंदी कंप्लीट होगी। तो आप लोग मुझे एंड में ज़रूर बताइएगा कि मेहंदी कैसी लग रही और ये डिज़ाइन कैसा लग रहा था। तो मैंने तो बहुत अप्रिशिएट किया और मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी और सबको बहुत पसंद आई। सो अब मेहंदी कंप्लीट होने के बाद हमने अपने बकाया काम किए और तकरीबन हमें सोते सोते 4 बज गए थे। आज की वीडियो यहीं तक थी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।